रसोईया कल्याणकारी समिति उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ धरना दे रहे हैं इको गार्डन में। आइए इनके अध्यक्ष से बात करते हैं। मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ एसटी न्यूज में। इनके अध्यक्ष से वार्ता शुरू करते हैं कि किन मांगों को लेके यहाँ पे धरना दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? दया शंकर यादव। तो किन मांगों को लेकर के यहाँ पे आप रसोइयों को लेके? हमारी मुख्यतः 5 मांगे हैं सर। दरअसल ये योजना 2004 से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार भारत सरकार द्वारा संचालित है। जब से योजना स्टार्ट हुई है, इस योजना के स्टार्टिंग टाइम पर कोई रसोइयाँ भोजन बनाने के लिए तैयार नहीं होती थी, इसलिए कि भोजन बनाना सब लोग सामाजिक मर्यादा के हिसाब से गलत समझते थे। उस समय 200-250 रुपया रसोइयों को महीने में दिया जाता था। गांव ग्राम शिक्षा समिति के लोग पूरे गांव में खोजते थे, महिला पुरुष हाथ उठा देते थे कि हमारी महिला या हम भोजन बनाने नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे कि पड़ोसी लोग, परिवार के लोग, सामाजिक लोग ताना मारते थे कि 150-300 रुपये में तुम भगोना धोने जा रही हो, अब तुमको समाज से निकाल दिया जाएगा। इसलिए कोई नहीं मिलता था, लेकिन हम गरीब मजलूम लोगों ने इस योजना पर विश्वास किया और हम लोगों ने लगा। हम लोगों ने जब इस योजना पर काम करने लगे तो आने वाले दिनों में, जब से 2010 से 1000 रुपया रसोइयों का हुआ है, तब से रसोइयों को हर साल चयन प्रक्रिया, हम लोगों का हर साल चयन किया जाता है। उसी चयन प्रक्रिया के माध्यम से जो कार्यरत रसोइयाँ हैं उनको हटा करके ग्राम शिक्षा समिति के लोग अपने मनमाने लोगों को रख लेते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2010 में आपके रसोइया लोगों की भर्ती हुई थी जिनको 1000 रुपये दिया जाता था। 2004 में भर्ती हुई थी, उस समय 250-300 रुपया मिलता था, लेकिन 2010 से 1000 रुपया हुआ है, जो आज तक 1000 है। तो कितने घंटे का कार्य करती है रसोई? पूरा विद्यालय टाइम तक विद्यालय में काम करती है। जो भी 8 बजे से लेके 2 बजे, 8 बजे से आज अभी तक विद्यालय 1 बजे तक है, 1 बजे तक रहती है। जब विद्यालय 9:30 बजे से 3:30 बजे तक हो जाता है तो 9:30 से 3:30। कहने का मतलब 8 घंटे का वेतन जो है मात्र 1000 रुपये दिया जाता। पूरा विद्यालय टाइम में जितना भी विद्यालय का टाइम होता है उसके एवज में हमको 1000 रुपया मासिक दिया जाता है। यदि देखा जाए तो सामाजिक और किसी प्रकार से इस महंगाई के दौर में 1000 ऊंट के मुंह में जीरा। कितनी सूत्री मांगों को लेकर धरने? हम 5 सूत्री मांग रखे हुए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख हमारी मांग है, प्रमुख मांगों में 5ों हैं। हमारी लोगों की मांगे है कि जो रसोइयाँ 200-250 रुपए से बनाते चली आ रही हैं, उनको जो नाजायज ढंग से हटाया जा रहा है, उनको किसी, यदि उनके कमियां हैं उनके साथ उनको दंडित किया जाए, लेकिन जो निर्दोष लोग हैं उनको उस दायरे में ना लाया जाए। कहने का मतलब चयन प्रक्रिया का सिस्टम जो है बंद किया जाए। कोई अधिकारी या कोई अन्य हमारे लोगों के बीच में ADM सिटी, ACM आश्वासन उन्होंने ये दिया है कि परसों 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से आपकी प्रतिनिधिमंडल के 5 लोगों की मुलाकात कराएंगे। और जब तक 5 तारीख तक जो आश्वासन दिया है उसी आश्वासन को लेकर के समस्त रसोइया लोग इसी प्रांगण में बैठने का निर्णय लिया है। तो अगर आप लोगों की मांगे जैसे पूरा नहीं होती हैं तो ये सारी जितनी आपकी भीड़ है ये क्या भूख हड़ताल या आमरण अनशन पे? यहाँ तक कि मांग पूरा नहीं बल्कि कल से ही समस्त रसोइयाँ दाना पानी बंद करके इसी प्रांगण में अनशन पर बैठ जाएंगे। 5-10 नहीं बल्कि जितने हैं समस्त बैठ जाएंगे। कितने लोगों की संख्या है यहाँ पे? यहाँ आपके बीच में 1.5 से 2 हज़ार के बीच में है। जैसा कि यहाँ 1.5-2 हज़ार वो आपके रसोइया हैं, आइए इन लोगों से पूछते हैं कि क्या इनको वहाँ पे जो विद्यालय में ये लोग कार्य करते हैं किस तरीके की पीड़ा का सामना करना पड़ता है। परिवार से भी जूझते हैं ये लोग, अपना समय विद्यालय को दे करके कहीं ना कहीं निखारने का काम करते हैं। कहाँ से आएंगे आप? कौशाम्बी जिला से। तो कब से रसोइया का काम कर रहे हैं? रसोइया काम कर रहे हैं 8 साल से। तो कितना वेतन, शुरुआती कितना वेतन था आपका? 500 रुपए। इस समय कितना मिल रहा है? 1000। हाँ। तो यहाँ आप किस जिले से आई हैं?
हम आवा है काड़े ब्लॉक से, कसांबी से। कसांबी? हाँ। तो कितने सालों से काम कर रही है? अरे दसन साल से काम कर रही। क्या परेशानी आती काम करने? अरे काम परेशानी, मास्टर बोल जाते कि हाँ जाओ चली जाओ, तनिक देर होगा। अच्छा, किसी भी समय आपको निकाल सकते हैं कि आप हट जाओ, जाओ वहाँ से। आप कहाँ से? कसांबी जिले से। निकालने की हमेशा जैसे कि सभी लोगों के मुँह से सुनाई दे रहा है कि निकालने की धमकी अक्सर करके मिलती रहती है। एक कच्ची नौकरी और ऊपर से 1,000 रुपए, उसके ऊपर भी इतनी धमकियां मिलती हैं और ये लोग परेशान हो जाते हैं कि इनकी वाली नौकरी अगर चली जाएगी तो क्या करेंगे ये लोग। क्या नाम है आपका? हमारा उषा शर्मा। तो कितने सालों से रसोईया का काम करते हैं? हम 10 साल से करते हैं। 10 साल से। पहला जब आपने शुरुआत किया तो कितना वेतन मिलता था आपको पैसा? 500 रुपया। 500 रुपया। आज कितना मिल रहा है? आज 1,000 मिल रहा है। और धमकी बहुत तेज है सर। क्या धमकी दे? धमकी दे रहे हैं कि रज की लेट हो जाता है तो बाहर निकाल देते हैं, गेट के बाहर बैठे रहो। तो 1,000 में से भी कुछ पैसा काट लेते हैं? काटते हैं और 10 महीना खाना बनवाते हैं, 9 महीने देते हैं। अच्छा, यानी कि उसके अंदर भी घूस ले लेते हैं अपनी? तो जैसे कि जो भी मास्टर लोग हैं वो अपना यहाँ पे घूस भी ले लेते हैं, 9 महीना 10 महीना काम कराने के बाद 1,000 रुपए 2,000 रुपए भी काट लेते हैं। क्या नाम है आपका? नीलम सर। कितने साल से रसोईया का? 8 साल से। 8 साल से। हाँ। जब आपने शुरुआती काम किया था तो कितना वेतन मिला? 200 रुपया सर। 200 रुपया। हाँ। आज कितना मिल रहा है? 1,000। तो 1,000 जैसे लोग बता रही हैं कि 8-9 महीने के वेतन में भी कुछ पैसा काट लेते हैं। 2,000 काटते हैं, यानी कि 1 महीने में 200 रुपए अपने पास रख लेते हैं। हाँ सर। इस हिसाब से कितना पढ़ी है आप? हम सर पढ़े नहीं हैं। अच्छा, पढ़े नहीं हैं। तो जैसे कि हमें मुझे लगता है कि कुछ लोग और जैसे हैं, कितना पढ़ी हैं आप? हम कुछ नहीं पढ़े, 5 तक पढ़े हैं। 5 तक के। तो एक तरफ से सरकार जो है वो जो अधिकारी है आला अधिकारी वो शोषण कर रहे हैं क्योंकि ये पढ़े भी नहीं हैं और इनके साथ में किसी भी वक्त कुछ भी अपने मनमानी तरीके से अधिकारी और जो अध्यापक हैं वहाँ के लोग करते रहते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अपनी मांगों को लेकर के नारेबाजी कर रहे हैं कि जो भी इनको 1,000 रुपये मात्र वेतन मानदेय आप कुछ भी जो समझिए तो वो भी उसमें आपको कम से कम 200 रुपये पर महीना काट लेते हैं, जिसको यहाँ पे ये पूरा भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं कि हमारी मांगे सरकार तक के ये बात समझे कि कैसे क्या चीज करके हमारा शोषण कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अमित आपसे इजाजत चाहता हूँ, धन्यवाद। ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करिए हमारे ST न्यूज चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताजी खबरें।